जय माता दी। आदेश नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक मार्केट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट हैपेंड इन आवर मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स इन लास्ट वीक। फ्राइडे के दिन क्या हुआ बाजार में, एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स वी विल ट्राई टू एक्सट्रापोलेट द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज फॉर दिस कमिंग वीक। So before starting the video, I would like to request all of you to please subscribe to the YouTube channel. We also have the MCX channel, जहाँ पे हम MCX की analysis upload करते हैं daily basis पे। तो उस channel को भी आप subscribe कर सकते हैं for MCX views. Okay, so let us start the discussion. So as of now, the global markets, they are almost flat to slightly positive. S&P 500 जो है 4450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। Now S&P 500 पे इस लेवल के बारे में मैं काफी दिनों से बात कर रहा हूँ कि 4450 जो है ये एक जोन है जहां से एक रिएक्शन आना चाहिए, एंड दिस इज द जोन फॉर दिस, दिस इज द टारगेट फॉर दिस करंट अप मूव। सो आई थिंक फ्राइडे को बाजार ने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर सीइंग सम रिएक्शन कमिंग इन द यूएस मार्केट, थोड़ा सा नेगेटिव है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव है। एशियन मार्केट्स भी थोड़े नेगेटिव क्यूज ऑफर कर रहे हैं अभी। निकी जो है, जापानीज मार्केट जो है 2% डाउन है, हांगकांग भी थोड़ा सा डाउन है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग द ग्लोबल मार्केट्स दे आर कमिंग एट अ जोन वेयर सैचुरेशन इज कमिंग इन, मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन, डाइवर्जेंसेस आर बीइंग सीन अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो एक मार्केट का दूसरे मार्केट के हिसाब से हो या विद इन दैट मार्केट डिफरेंट सेक्टर्स जो है उनमें भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। जैसे हमारे बाजार में भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में वीज़ अवी निफ्टी जो है एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है हम देख रहे हैं। सो ग्लोबल मार्केट से कुछ खास एज सच क्यूज नहीं है। अगर करेंसी फ्रंट पे बात करें तो यूएस डॉलर जो है अगेन इट इज गोइंग नो वेयर, एंड फ्यू डेज बैक हमने इस पे डिस्कशन किया था कि फॉरेक्स मार्केट में भी कुछ खास क्यूज नहीं है। यूएस डॉलर जो है इसमें मैं कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी कोई क्रैश वगैरह कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा। इट इज जस्ट गोइंग टू ट्रेड इन अ बिग रेंज, एंड मे बी यू नो आफ्टर 10th ऑफ सेप्टेम्बर जो है इसमें एक बड़ी मूव आनी चाहिए। सो बेसिकली यूएस डॉलर जो है कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल, एक वेज पैटर्न में कंसोलिडेट कर सकता है फॉर यू नो दिस एंटायर ऑगस्ट सीरीज, एंड मे बी नेक्स्ट जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा अप्रोक्सीमेटली ऑगस्ट सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक के आसपास, तो यहाँ से एक जो है बड़ी कोई मूव इसमें आनी चाहिए। नाउ इसके लिए ट्रिगर्स काफी सारे हो सकते हैं। अब जैसे जियोपॉलिटिकल जो टेंशन बिल्टअप हो रहा है अफगानिस्तान में तालिबान को लेके, उसके वजह से भी कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं। एंड जनरली अगस्त और सितंबर मंथ्स जो है दीज आर यू नो हाई वॉलिटिलिटी ड्रिवन मंथ्स। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द यू नो डिक्लाइंस, मोस्ट ऑफ द शार्प मूव्स दे हैपन इन अगस्त एंड सितंबर। जैसे लीमन ब्रदर्स वगैरह जो था 2008 में, 2015 में भी हुआ था। सो हो सकता है उस समय जो है कुछ ट्रिगर्स बाजार में दिखे एंड इसमें मूव आए। दिस वीक वी हैव द फेड एफओएमसी मिनट्स कमिंग ऑन आई थिंक 18th, व्हिच इज वेडनेसडे। सो वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ी इसमें हलचल रह सकती है। सो यूएस डॉलर से कुछ खास क्यूज नहीं है। इसी तरीके से अगर इमर्जिंग मार्केट ETF का चार्ट देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली $52 के आसपास है, तो इसमें भी कुछ खास क्यूज नहीं है। ये भी बस अपने आप को किसी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक दो महीनों में गिरावट इसमें काफी हुई है, एंड $50 एक राउंड नंबर सपोर्ट है। सो इट इज टेकिंग सपोर्ट एट द $50 लेवल। सो नो मेजर क्यूज एज सच फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट ETF। नाउ यूरो यूएसडी और GBP को अगर देखें तो यूरो यूएसडी जो है इसमें एक अच्छी बॉटम बनी है। मैं समझता हूँ कि यूरो यूएसडी में एक डिसेंट बॉटम बना है। सो फॉर सम टाइम वी कैन सी सम अप मूव कमिंग अप इन द यूरो यूएसडी। अगर ब्रिटिश पाउंड की बात करूं तो 1.38 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रिटिश पाउंड जो है एक मेजर मेजर एक टाइम जोन में आ चुका है, बिकॉज लास्ट मंथ इसमें जो है एक बॉटम अच्छा बना था अराउंड 1.35 पे, जहां से एक बहुत अच्छी बाउंस आई थी। इस टाइम हमने GBP INR को लॉन्ग भी किया था, एंड दैट वॉज अ वेरी गुड मूव अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 102 टू 104, 2-2.5 रुपए की जो है बहुत अच्छी मूव थी। नाउ वॉट इट इज डूइंग इज इट इज कंसोलिडेटिंग, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैग, और इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस बिलो दिस ट्रेंड लाइन। सो इट विल बी इन अ वेरी स्मॉल रेंज फॉर कमिंग कपल ऑफ सेशंस, एंड देन वी कैन सी अ डिसेंट ब्रेकआउट और अ ब्रेक डाउन। ओके, सो आई थिंक मे बी इट दिस शुड कोइंसाइड विद वेडनेसडे इज एफ ओ एम सी मिनट। तो थर्सडे के दिन जो है इंडियन मार्केट में हमें
जीबीबी आईएनआर में एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है. सो नो मेजर क्यूज एज सच फ्रॉम एनी वेयर. सो मैं समझता हूँ कि जब कोई मेजर क्यूज नहीं है तो जो इंडियन मार्केट्स हैं ये अपने हिसाब से ही चलेंगे, इनकी जो मोमेंटम है वो अपने हिसाब से ही बाजार जो है पिकअप करेगा. कमोडिटीज मार्केट की अगर बात करूं तो लास्ट वीक काफी अच्छा रहा है. गोल्ड में जो है बहुत ही सॉलिड एक अच्छा बढ़िया ट्रेड इसमें जो मैंने आपको दिया था फ्रॉम 46,600 से लेके 47,000 का, तो गोल्ड में एक अच्छी मूव देखने को मिली है. सिमिलरली सिल्वर में भी बहुत ही शानदार मूव मिला है. जो फ्राइडे जो मैंने डिस्कस किया था कि सिल्वर को 62,500-62,600 के ऊपर लॉन्ग करना है, तो इसमें भी एक अच्छी मूव देखने को मिली है. क्रूड ऑयल जो है इट हैज बीन एक्टिंग चॉपी. सो क्रूड ऑयल में जो MCX की चैनल है उस पर हम कमोडिटीज का डिटेल वीडियो अपडेट करेंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दी एसेट क्लासेस. सो क्रूड ऑयल आई थिंक स्टिल इट इज ट्राइंग टू मेक सम बेस. एंड क्रूड ऑयल में मैं समझता हूँ कि 5,200 का जो लेवल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. अबव 5,200 वी विल सी सम अप मूव कमिंग अप इन द क्रूड ऑयल और एल्स इट विल रिमेन साइडवेज. नेचुरल गैस जो है बेरिश हो चुका है. सो 290 के लेवल्स पे है नेचुरल गैस. आई थिंक नेचुरल गैस अब ट्रिकी है. मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसको जो है अब सेफली देखना होगा. एंड इवन ऑन द वीकली चार्ट इट हैज मेड अ बिग बेरिश कैंडल. सो आई थिंक इट इज नॉट गुड. सो वीकली एनालिसिस जो M6 चैनल पे आएगा उस पर हम कमोडिटीज की डिटेल में एनालिसिस करके अपलोड कर देंगे, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं. ठीक है. सो लेट अस क्विकली कम बैक टू अवर मार्केट्स व्हिच इज योर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो एक बार हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स का चार्ट किस तरीके से शेप अप कर रहा है, बिकॉज सेंसेक्स हैज क्रॉस्ड द 55,000 मार्क ऑन फ्राइडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. सो सेंसेक्स में देखिए कि एक ऊपर का टारगेट एक निकल के आ रहा है जो कि 55,700 के आसपास है, 55,800 के आसपास है मैं समझता हूँ. सो आई थिंक नॉट मोर देन 400 पॉइंट्स. सो आई थिंक 1% का इसमें जो है सेंसेक्स में एक स्कोप है कि थोड़ा सा और ये रनअप कर सकता है. नाउ डिटेल एक बार एनालिसिस करते हैं हमारे बाजार का. तो एक बार हम चलते हैं कि इंटर मार्केट देखते हैं कि क्या सिचुएशन है. देखिए मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ये दोनों अभी भी सबड्यूड है, राइट. अगर मिड कैप इंडेक्स का मैं लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त मंथ राइट नाउ द मंथली कैंडल इज शेपिंग अप टू बी अ 2G अ बेरिश 2G कैंडल आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, राइट. एंड इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम द 2008 टॉप टू द 2017-16 टॉप वी आर अगेन कमिंग बैक एट दैट रेजिस्टेंस लाइन. ओके. सो एज यू कैन सी दिस इज द प्लेस टू बुक प्रॉफिट्स. दिस इज द प्लेस टू बी ऑन साइडलाइंस एटलीस्ट. दिस इज द प्लेस टू बी इन कैश. एंड यहाँ पे जो है बैड थिंग्स कैन हैपन. नाउ दिस इज अ मंथली चार्ट सो इट मे टेक कपल ऑफ मंथ्स मे बी 3 months 1 month वॉट एवर टाइम इट टेक्स. बट येस द बॉटम लाइन इज यहाँ पे जो है हमें सेफ्टी देखना है. यहाँ पे हमें जो है रिटर्न ऑफ कैपिटल देखना है नॉट रिटर्न ऑन कैपिटल. एंड वेन एवर देर इज अ गुड करेक्शन इन द मार्केट दैट टाइम यू कैन एंटर अगेन. नाउ बिकॉज वी हैव अप्रोच्ड एट सच अ क्रिटिकल लेवल दैट इज वाई पिछले दिनों में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी आपका ऊपर जाएगा बट योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप दे वोंट परफॉर्म. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्योंकि हम इतना ज्यादा स्ट्रेस कर चुके हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आना इज अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग. बिकॉज एनीबॉडी वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स यू नो द डिफेंसिव बेट्स टुवर्ड्स यू नो स्टॉक्स विच आर रोबस्ट विच हैव लेस रिस्क एज कम्पेयर टू स्टॉक्स विच आर यू नो फुली रिस्की. सो ये एक बस एक सेक्टर रोटेशन इसमें जो है बाजार में हो रहा है. सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सॉलिड एक करेक्शन आया था लास्ट वीक में बट इट टुक सपोर्ट एट द प्रीवियस ऑल टाइम हाई जहां पे 65-day मूविंग एवरेज भी था डेली चार्ट पे. एंड दैट इज वाई स्मॉल कैप में जो है थर्सडे के दिन आपको जो है थोड़ी बाउंस आपको देखने को मिली थी. बट अगेन इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म चार्ट अगेन लुक एट दिस वी आर एट अ पॉइंट ऑफ मेजर ट्रबल. सो यहाँ पे अनड्यू रिस्क मत लीजिए. यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एवरेजिंग मत कीजिए. लूजिंग पोजीशन में पैसे मत डालिए बिकॉज दिस इज एज यू कैन सी देखो यहाँ पे वी हैव टू बी ऑन बैक फुट. ओके. सम थिंग्स गेट डिलेड इन मार्केट बट डिले डजंट मीन डिनाइल. सो इट इज बेटर टू बी ऑन बैक फुट व्हेन इट कम्स टू पेनी कैप स्टॉक्स व्हिच व्हेन कम्स टू स्मॉल कैप स्टॉक्स मिड कैप स्टॉक्स. मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ. ओके. नाउ मार्केट डजंट मीन ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं. तो जब हम कहते हैं कि बाजार में इस समय बैकफुट पे आना है तो उसका सबसे पहला मतलब होता है कि जो आपके जितने भी जो भी रिस्की काउंटर्स हैं उनमें सबसे पहले आपको बैकफुट पे आना है. ओके. एंड इफ यू सी दिस साइकोलॉजी इज वर्किंग इन द मार्केट.
जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं ये स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग, हैवी प्रॉफिट बुकिंग की है, वेयर एज दे आर पंपिंग दी लार्ज कैप्स। तो उससे क्या होगा कि आपका बाजार आपको विंडो ड्रेसिंग जैसा दिखेगा, बाजार आपका ऊपर रहेगा, लार्ज कैप स्टॉक्स आपके ऊपर रहेंगे, बट जो मेजर जो ब्रॉडर मार्केट है, जो मेजर जो चंक ऑफ स्टॉक्स है, उनमें हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओके, सेक्टर्स की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि आईटी इंडेक्स इज द लीडिंग इंडेक्स, एंड लास्ट एंटायर वीक आईटी ने जो है बहुत ही ट्रिमेंडस एक अपसाइड ऑफर की है यहाँ पे। आई थिंक आईटी इज गेटिंग टू मच ऑफ यू नो स्ट्रेस्ड अप। मैं समझता हूँ कि आईटी में आपको जो है सेफ्टी यहाँ पे देखनी चाहिए। आईटी इज रनिंग अप लाइक क्रेजी, सो आईटी जो है यही एक होल्ड कर रहा है बाजार को। दूसरा सेक्टर जो मैं देख रहा हूँ कि इट इज गेटिंग रेडी टू होल्ड द मार्केट व्हेन प्रॉफिट बुकिंग कम्स इन आईटी सेक्टर इज आई थिंक द एफएमसीजी सेक्टर। सो इफ आई लुक एट द एफएमसीजी चार्ट, इट इज स्टिल यू नो एफएमसीजी चार्ट जो है थोड़े मैसी होते ही हैं, बट स्टिल आई थिंक इट इज क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टोरल इंडेक्स। पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है ये देखिए काफी बेरिश है, इट इज यू नो ब्रेकिंग डाउन। सो पीएसयू बैंक्स में आपको जो है थोड़ा ट्रबल देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है ये डेफिनेटली इट इज गेटिंग स्लाइटली बेरिश आई वुड से। बाकी जो इंडेक्स है उनमें कुछ खास क्यूज नहीं है, आई मीन दे आर मोर और लेस यू नो नॉट एट अ वेरी डिसाइसिव पॉइंट। सो चलिए निफ्टी पे आते हैं, अब निफ्टी की डिस्कशन कर लेते हैं। सो इफ आई ओपन द निफ्टी चार्ट, ऑन द मंथली चार्ट वी आर अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 16,600। एंड जैसा कि हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था कि दो बहुत ही छोटे रेंज के कैंडल बने मंथली चार्ट पे जून और जुलाई का, तो अगस्त हैज टू बी द ट्रेंडिंग मंथ। अगस्त का जो कैंडल है ये बड़ा रहेगा, whether it will be up or down we don't know, but yes after the two small candles whichever side we start momentum usi side mein chalta hai. To august humne jo hai bullish side mein shuru kiya, july ke opening closing ke upar humne shuru kiya, to momentum usi side mein bana hua hai. Abhi bhi august mein scope hai, agar main long term log chart dekhu to august mein abhi bhi jaise pehla jo ek long term एक लॉग चार्ट का जो टारगेट है वो है आपका 16,615 एंड फ्राइडे की क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली 16,530, यानी एक 100 पॉइंट्स जो है ये स्कोप है। आई थिंक दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है ये आपका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 16,615 एंड आई थिंक यहां से जो है बाजार में कुछ करेक्शन आनी चाहिए। नाउ इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट की लास्ट वीक का कैंडल कैसा था एंड क्या इससे हमें कुछ क्यूज मिल सकते हैं, तो लास्ट वीक देखिए बहुत ज्यादा आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेस्ड कैंडल। और इक्विटी मार्केट में जब भी बहुत ज्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है तो हमारा जो तरीका होना चाहिए इंडेक्स ट्रेडिंग को वो ऐसा होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हमें लॉन्ग साइड में होना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगा तो ये नीचे गिर जाएगा। सो फॉर द कमिंग वीक दिस इज द लॉजिक दैट आई एम गोइंग टू यूज कि बाजार जो है काफी स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने एक बेटर परफॉर्मेंस किया है मैं समझता हूँ, हालांकि स्टिल इट इज स्ट्रगलिंग एट 36,200 लेवल जो हमने पहले डिस्कस किया है, बट आई थिंक सम इम्प्रूवमेंट इज कमिंग इन द बैंक निफ्टी। ओके, सो स्लाइट इम्प्रूवमेंट इज देयर। सो फॉर द कमिंग वीक आई थिंक जो हमारा वीकली मेक और ब्रेक लेवल होगा निफ्टी स्पॉट पे, जैसे लास्ट वीक मैंने आपको दिया था कि 16,200 का एक आंकड़ा दिया था कि 16,200 जो है डिफेंड होना चाहिए फॉर एनी अप मूव एंड टारगेट था हमारा 525 का। सो पूरा वीक जो है इसने डिफेंड किया, ऑलमोस्ट कपल ऑफ डेज इट ट्राइड टू ब्रीच दी 16,200 मार्क बट ब्रीच नहीं हुआ। एवरी टाइम इट यूज टू गो डाउन, इट यूज टू टेक सपोर्ट एंड बाउंस बैक अगेन। सो ये जो 16,500 का टारगेट था दैट गॉट अचीव्ड इन द प्रीवियस वीक। नाउ फॉर द कमिंग वीक वी विल यूज द सिमिलर लॉजिक। हम क्या करेंगे दोस्तों कि 16,525 इसको हम कंसिडर करेंगे, 16,525 विल बी अवर वीकली मॉब लेवल। फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड विल बी 16,660 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 16,745। ओके, सो टू टारगेट्स विल बी देयर ऑन द अपसाइड, 1 and 2 over here. Now till we are not crossing this mob level there will be risk of profit booking coming into the system. So 16,525 ko watch kijiye and iske niche jo hai
अगर बाजार सस्टेन करता है यानी इसके ऊपर अगर नहीं जाता है तो बाजार में आप छोटी शॉर्ट ट्रेड आप इंडेक्स में ले सकते हैं एंड फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड विल बी 16,400 एंड सेकेंड विल बी अगेन बैक टू 16,225. ओके, सो ये जो है कुछ हमारे टारगेट्स होंगे अपसाइड एंड डाउन साइड ऑन द निफ्टी. So two targets on the downside and two targets on the upside. Expected range मेरे ख्याल से इस वीक का होना चाहिए 16,200 से लेके आपका 16,660. Okay, so I expect 450 points range in this week. Now this week is very important from a time and price perspective. यानी अगर मैं निफ्टी का डेली चार्ट अगर आपको शो करूं तो ये एक टाइम साइकिल पे हम आ चुके हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ट्यूजडे 17th of August. सो दिस एंटायर वीक इज अ वेरी क्रूशियल वन. ओके, सो दिस एंटायर जोन इज अ वेरी क्रूशियल वन. मैं समझता हूँ बाजार इस वीक में एक शॉर्ट टर्म टॉप डेफिनेटली बनाने की ताकत रखता है. ओके, सो दिस इज वेयर मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू पीक आउट. नाउ इट कैन बी एट द लेवल ऑफ 16,700. ओके, नाउ ओवरऑल जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो आखिरी लेग होता है बाजार का वो हमेशा एक मेल्टअप फेस में होता है. मैंने पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे पुराने सालों में 2017, 18, 19 इन दोज ईयर्स आल्सो वी यूज्ड टू पीक इन अ मेल्टअप फेस. सो आई थिंक दैट मेल्टअप फेस इज स्टिल गोइंग ऑन एंड इट कैन स्टिल कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ 100 points. बट येस, एनी टाइम मार्केट कैन विटनेस प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट्स है और इंडेक्स है इनमें डाइवर्जेंस काफी हैवी है. ओके, सो इस बात का ध्यान रखिए. अब आते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल्स होंगे, तो मंडे की डिस्कशन एक बार कर लेते हैं. फ्राइडे का दिन काफी अच्छा था बाजार के लिए. फ्राइडे वी सॉ वन साइडेड मूव एंड फ्राइडे इफ यू रिमेंबर जो है एक गैप अप जो मिला हमें अबाउट दिस रेजिस्टेंसेस, दैट गैप अप क्रिएटेड द मोमेंटम ऑन द हायर साइड. सो फ्राइडे के दिन पूरे दिन भर वीवैप के ऊपर ट्रेड किया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीवैप टूल को जो है यूज करना सीखिए क्योंकि जिस दिन भी ट्रेंड डे है उस दिन बाजार वीवैप के नीचे या मतलब वीवैप के ऊपर ही चलेगा अगर वो अपसाइड का डे है, और अगर डाउनसाइड का डे है तो उसके नीचे चलेगा. सो वीवैप विल यू नो एटलीस्ट गिव यू एन आइडिया कि आप रॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं करेंगे. ओके, सो यू विल बी सेव फ्रॉम लॉसेस इफ नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स. सो दैट इज व्हाई फोकस ऑन वीवैप. नाउ फॉर टुमारोज सेशन यानी मंडे के लिए जो मॉब लेवल होगा दोस्तों, ये मैं रखूंगा फ्राइडे का हाई विच इज योर 16,530. सो आई विल कीप द हाई एज द मॉब लेवल. सो इट विल बी वेरी सिमिलर टू द वीकली मॉब लेवल 16,530. ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा, इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे. पहला टारगेट हम रखेंगे 16,620 का और एक ही टारगेट मैं मंडे के लिए रखूंगा विच इज दिस ओवर हियर, क्योंकि ये एक राइजिंग वेज, राइजिंग एक्सपेंडिंग वेज का जो है एक रेजिस्टेंस है. ऑन द लोअर साइड I will expect first target as 16,460, which is the, I think the, this zone over here. And अगर इसको हम breach करते हैं, then there will be a chance that we go and almost fill this gap somewhere near 16,380. Okay. So दो targets रहेंगे नीचे में, ऊपर में सिर्फ मैं एक ही target रखूंगा. I think 16,530, this is the area to deal with. Above this we can see 100 points up move. And below this, we can see, you know, 100 to 150 points on the lower side. Overall, I don't think bazaar mein bahut zyada kuch weakness aayega Monday ke din. But yeah, some, you know, between these zones, market can trade. Now, let us move to Bank Nifty. So, Bank Nifty mein, jaisa abhi main keh raha tha ki Bank Nifty mein thodi improvement hai. Weekly chart theek hai, strong hai, main samajhta hoon, better hai last week ke mukable. And if you look at the line chart shows you that we have given a small breakout. We have given a small breakout and it has closed at the highest level in last many many days, right? तो ये डिटेल हमें जो है लाइन चार्ट के थ्रू पता चलती है. नाउ सीधे मैं लेवल्स पे ही बात करता हूँ कि हमारे लेवल्स क्या होंगे. कॉन्टेक्स्ट देखिए ऐसा है कि जो बैंक निफ्टी है दैट इज स्टिल रेजिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ रेजिस्टेंस एंड यू कैन से इट इज now making a type of a running flag and this can break out. This has the potential to break out. There's no denying in that. We can very easily go and retest this zone of 36,800
और जब हम यहाँ चले गए तो न्यू हाई बनना तो एक बस यू नो फॉर्मेलिटी की बात होगी। सो बेसिकली बैंक निफ्टी का एसिड टेस्ट चालू है एंड थर्सडे सॉरी वेडनेसडे के कैंडल के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो सिंपल सी बात यह है कि बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगा 36,200 के ऊपर तो आपको बड़े ही आराम से 1,000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। नॉट ओनली दैट बैंक निफ्टी कैन गो एंड मेक अ न्यू हाई, ओके, सो यू कैन सी 1,000 to 2,000 points अप मूव कमिंग अप इन बैंक निफ्टी। हाउएवर बिकॉज दिस इज अ स्लोपिंग रेजिस्टेंस एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि हम इस लेवल को थोड़ा सा ब्रीच करते हैं एंड देन देयर कम्स अ डिक्लाइन, ओके, सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट बिकॉज यू आर सी देयर आर टू वेज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल सॉरी देयर आर टू वेज टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इफ इट इज अ प्योर हॉरिजॉन्टल लेवल देन लेवल ब्रीच होता है तो हम उसको ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। इफ देयर इज अ स्लोपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देन यू हैव टू बी कॉशियस क्योंकि स्लोप जो है मोमेंटम को डिनोट करता है, तो इसमें फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप जब भी आप कोई स्लोपिंग लेवल्स ड्रॉ करेंगे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। एनी वेज कमिंग टू द सिंपल पॉइंट दैट 36,200 नीड्स टू बी वॉच्ड, अबव दिस वी विल बी बुलिश फॉर 1,000 to 2,000 points अप मूव। जब तक ये क्रॉस नहीं करता हमें बेरिश रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। देयर इज अ पेंडिंग गैप ओवर हियर नियर 35,000 to 35,200, तो ये हमारा गैप नीचे का टारगेट होगा इस वीक के लिए, ठीक है। तो व्हाट विल बी दी वीकली मॉब लेवल, जो वीकली मेक और ब्रेक लेवल होगा ये होगा 36,200, ओके। अबाउ दिस वी विल बी बुलिश फॉर 36,700 एंड 37,200, ठीक है। सो दो टारगेट होंगे ऊपर में 36,700 एंड 37,200 कुछ इस तरीके से, ओके। ऑन द लोअर साइड एज आई एक्सप्लेन देयर इज अ गैप टू बी फिल्ड, तो हम लोअर साइड में 35,250 विल बी फर्स्ट टारगेट एंड 34,800 विल बी सेकेंड टारगेट। मैं समझता हूँ ज्यादा कोई बेरिश मूव इसमें नहीं होगा, एट बेस्ट इट विल रोटेट इन दिस जोन ऑफ 36,300 to 35,300। मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा रोटेशन होगा रादर देन एनी मेजर ब्रेकआउट के चांसेस हैं, बट ज्यादा ब्रेकडाउन के चांसेस नहीं है, ओके। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। सिमिलरली अगर हम मंडे की बात करें तो आई थिंक सिमिलर ही हम चीजें रखेंगे कि मॉब लेवल होगा आपका 36,300 जो कि हमारा लास्ट वीक का हाई है, सो दैट विल बी अवर मेक और ब्रेक लेवल 36,300। अबाउट दिस अगेन सिमिलर हम बुलिश हो सकते हैं एटलीस्ट 36,600 के लिए एंड ऑन द लोअर साइड वी कैन डेफिनेटली गो बैक एंड विजिट 35,800। सो नथिंग मच टू ऐड, एज यू कैन सी वी आर स्टिल इन दिस हॉरिजॉन्टल बॉक्स, सो वन टारगेट वी कैन कीप 35,800 एंड सेकेंड वी कैन कीप 35,600, दैट्स इट, ओके। सो आई थिंक प्रीटी मच आई हैव समड अप, नथिंग मच टू ऐड। बाजार इस वीक में डिसाइसिव मूव देगा, I mean there is a very good chance that market should peak out in this week, okay, we are at a very crucial juncture both price and time, okay. So guys I think that is all from my side in this video of Nifty and Bank Nifty analysis. Wish you all the best. I will do take live stream and I will update on Facebook and Instagram, to aap wahan agar nahi jude hain mujhse to wahan pe aap jud sakte hain also. The next training is coming up on August 28th and 29th. So any of you interested, you can WhatsApp and you can get registered. Once you register, you will be added in the Telegram group for 3 months time. So that's all from my side. Take care. Have a safe and successful trading. Signing off for now. Jai Mata Di and all the best.